गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरजीत यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू सेकेंड चैप्टर प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट जो नेक्स्ट है पैराग्राफ उसको बताएंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्धता या परंपरागत जो होता है विचार, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड आइडिया। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक फिक्स्ड आइडिया होता है दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन, जो कि पहले किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही ये बना लेते हैं कि उसके बारे में क्या विचार है। और समथिंग इज लाइक स्पेशली व्हेन द आइडिया इज रॉन्ग वन, या फिर वो क्या हो सकता है या किस तरह का विचार हो सकता है कि कोई आइडिया गलत है। वी ऑफन स्टीरियोटाइप ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एज। हम रूढ़िवादिता किस ग्रुप से संबंधित हो सकता है? वी ऑफन स्टीरियोटाइप ग्रुप्स बेस्ड। हम कुछ स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता कुछ ग्रुप बेस्ड होते हैं, जैसे किसी ग्रुप से संबंधित होते हैं, जैसे ऑन देयर रेस, उनके रेस पर, जाति पर, रीजन, क्षेत्र पर, रिलीजन, धर्म पर, जेंडर, लिंग पर, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति पर, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय पर, इसी तरह अन्य पर। दिस मस्ट बी साउंडिंग सिमिलर टू बींग प्रेजुडाइज्ड। ये किस से संबंधित हो सकता है? पक्षपात से संबंधित हो सकता है। बट देयर इज ए फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। लेकिन क्या प्रेजुडाइज मतलब पक्षपात और स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता में भी क्या होता है, एक स्पष्ट अंतर होता है? वी थिंक दैट गर्ल्स लाइक डॉल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियों को क्या पसंद होता है? डॉल्स, गुड़िया पसंद होती है, बुक्स, किताबें पसंद होती है, इंडोर गेम्स, उनको घर के अंदर के जो गेम है वो पसंद होते हैं, एक्सेट्रा, इसी तरह अन्य गेम्स। वेरियस बॉयज लाइक टू प्ले विथ कार्स, बाइक्स, एक्सेट्रा। जबकि बच्चे किस तरह के गेम पसंद करते हैं? कार चलाना या कार के साथ खेलना, बाइक चलाना, एक्सेट्रा। दिस स्टीरियोटाइप थॉट एंड वी फॉलो इट ब्लाइंडली। यह क्या है? एक तरह का एक रूढ़िबद्धता है, रूढ़िवादी परंपरागत रूढ़िवादी विचार है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको अंधविश्वास के, इसको ब्लाइंडली हम लोग फॉलो करते हैं, इसको अनदेखे रूप में ही फॉलो करने लगते हैं। स्टीरियोटाइप्स आर अनफेयर बिकॉज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम ट्रीटिंग पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल विथ डिफरेंट क्वालिटीज, एबिलिटीज, लाइक एंड डिसलाइक्स। स्टीरियोटाइप क्या होता है? अनफेयर होता है। रूढ़िवादी विचार क्या होता है? सही नहीं होता है। बिकॉज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम ट्रीटिंग पीपल, क्योंकि हमको क्या किससे बचाता है? व्यक्तियों के व्यवहार करने से। किस तरह के व्यवहार करने से? एज यूनिक इंडिविजुअल्स, कि हर एक व्यक्ति क्या होता है, यूनिक होता है, विथ डिफरेंट क्वालिटीज, और उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, एबिलिटीज, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लाइक्स, उनके पसंद अलग अलग होते हैं, एंड डिसलाइक्स, उनके नापसंद भी अलग अलग होते हैं। स्टीरियोटाइप्स कैन ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम डिस्प्लेइंग। स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता हमें किस चीज से बचाता है? रूढ़िवादिता हमें किस चीज से अलग रखता है? डिस्प्लेइंग, प्रदर्शित करने से, और अप्रिसिएटिंग या किसी की प्रशंसा करने से, ए यूनिक टैलेंट और एबिलिटी। किस चीज की प्रशंसा करने से? सबसे विचित्र टैलेंट और एबिलिटी को प्रशंसा करने से रोकता है स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता। समटाइम्स वी स्टीरियोटाइप ए ग्रुप ऑफ पीपल। हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनके बारे में रूढ़िवादी विचार रखते हैं, एंड लेबल द होल ग्रुप, और इसको ही पूरे ग्रुप पे थोप देते हैं। दिस ग्रुप कुड बी ए फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। यह ग्रुप कैसा हो सकता है? एक धर्म से संबंधित भी हो सकता है, कंट्री, किसी देश से संबंधित हो सकता है, सेक्स, लिंग से संबंधित हो सकता है, और स्टेट, किसी राज्य से संबंधित हो सकता है। दिस लेबल और जजमेंट इज अनफेयर। यह क्या होता है? दिस लेबल और जजमेंट इस तरह का मतलब जो जजमेंट होता है अनफेयर, सही नहीं होता है। बिकॉज इट डज नॉट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑन देयर कल्चर। यह क्या नहीं अलाउ करता है? किस चीज को समझने में? किसी व्यक्ति के संस्कृति को समझने में अलाउ नहीं करता है। प्रेजुडाइस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड टू द इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी।
प्रेजुडाइस पक्षपात, रूढ़िवादिता और विभेदीकरण क्या हमें किस किस ओर ले जाता है, असमानता की ओर ले जाता है समाज में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और विभेदीकरण। असमानता के बारे में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी इज अनदर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जो असमानता है वो विभेदीकरण का दूसरा आधार है। इनइक्वालिटी टेक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स लाइक द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और द अनइक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वोमेन। इनइक्वालिटी है जो असमानता है किस तरफ ले जाता है हमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन असमान विभाजन की तरफ। किसके असमान विभाजन की तरफ, धन के असमान विभाजन की तरफ, अनइक्वल स्टेटस असमान स्टेटस की तरफ ऑफ मैन एंड वोमेन, आदमी और औरतों के असमान स्टेटस और असमान वेल्थ के विभाजन की तरफ ले जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, जो विभेदीकरण है वो किससे संबंधित है, किससे अलग होता है, असमानता से अलग होता है, और दैट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी जो कि विविधता में से संबंधित होता है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी काजेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो समाज में असमान प्रॉपर्टी और वेल्थ का वितरण है। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग, एंड वेल्थ धन का जो असमान वितरण है उससे क्या लाता है समाज में, आर्थिक रूप से असमानता लाती है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड फूड क्लोथिंग शेल्टर और एजुकेशन, वे व्यक्ति जो लोग गरीब हैं वो क्या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा भोजन, क्लोथिंग कपड़े, शेल्टर मतलब आश्रय और एजुकेशन, उन जो गरीब व्यक्ति होते हैं ये सब नहीं पा सकते हैं। द पुअर सफर व्हेन दे आर इल, जब गरीब बीमार होते हैं तो वो भी सफर करते हैं, एज दे कैन नॉट पे फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। क्यों बीमार सफर करते हैं, कि पुअर सफर करते हैं क्योंकि वह महंगी दवाइयों के इलाज के लिए पैसा नहीं लगा सकते हैं, एज दे लैक गुड एजुकेशन, उनसे क्या होता है वो किसमें अच्छा शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते, दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब्स, वो अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकते। दस द पुअर गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैनी वेज, और इस तरह गरीब जो होते हैं कई रूप से क्या किए जाते हैं, विभेदीकरण विभाजन विभेदीकरण का शिकार होते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड क्या है, द किलिंग ऑफ फीमेल फिटसेस एंड बेबीज, जो छोटे बच्चों को मार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों को, फोर्टिसाइड मतलब फिटसेस में कि उनको किल कर दिया जाता है, भ्रूण में उनको मार दिया जाता है। आर टू इवेज prevalent not only in our villages but also in educated urban families, यह क्रिया जो बच्चों जो गर्ल बेबी होती है उनको मार दिया जाता है, यह केवल गाँव में ही नहीं है बल्कि यह शहरों में भी आ चुका है। The demand for dowry, जो दहेज की मांग होती है, made on the parents of the bride, जो कि किसके द्वारा मांगा जाता है, bride की तरफ से मांगा जाता है, another example of social injustice, या एक तरह का किस क्या है, यह अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, सोशल इनजस्टिस का, सामाजिक अन्याय का। थैंक यू, दिस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।